नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल जया लिटिल फ्लावर गैलरी में। और आप अपने सामने देख रहे हैं कि एक बहुत ही लंबा झूलता हुआ एक रखा हुआ है प्लांट, जो कि आपको बिल्कुल दिख रहा होगा कि ये सजावट के काम आता है। आप लोग पहचान सकते हैं तो ज़रूर बताएं ये क्या है। मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि यह पौधा कौन सा है और किस फैमिली का है। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि ये पौधा का नाम है डिस्केसिया प्लांट। और ये इसकी फैमिली होती है एपोसाइनेसी, इसकी फैमिली एपोसाइनेसी होती है। और ये सबसे ज़्यादा जो है इंडो चाइना में मिलता है एरिया में, और ये चाइना का प्लांट है। और इसको जो है जैसे कि आप किसी भी एरिया में लगा सकते हैं, आप छाँव में भी रख सकते हैं, इसको धूप में भी रख सकते हैं। और ये बहुत जल्दी ग्रो करने वाला पौधा है, इसको सजावट के काम में लाया जा सकता है। अगर आप टांगने वाले बास्केट में लगा सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है। और मेरा ये प्लांट एक छोटे से डब्बे में लगा हुआ है, आप देख लीजिए। और ये बहुत ही लंबा ऊपर से नीचे तक बढ़ चुका है। ये जो है पानी की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसके जो लीफ है इसके अंदर काफ़ी जो है पानी की मात्रा होती है, और ये काफ़ी गद्देदार और उठे हुए दिखाई देते हैं। और इसमें जो है मोटी मोटी जो है ये लगती है लीफ इसकी, ऐसा लगता है इसके अंदर बहुत पानी भरा हुआ है। तो इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये दोनों एरिया में लगा सकते हैं, आप धूप में भी लगा सकते हैं, छाँव में भी रख सकते हैं। इसको घर में सजावट के अंदर जो है कहीं टांगने का एरिया है, बालकनी वगैरह, वहाँ भी आप लगा सकते हैं। तो ये जो है सबसे ये जो है सिस्टर होता है होया नाम का एक पौधा होता है, उसका ये बहन है। मतलब इसमें बहुत सारी स्पीसीज होती है, तो इसमें जो होया नाम का प्लांट है उसका ये एक रूप है। इसमें बहुत सारी जातियाँ मिलती हैं। और ये दोनों इसकी खाद की बात कर ले तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है कुछ जैसे कि हैवी खाद, यूरिया और बाकी होते हैं जो भी खाद होते हैं, जैसे काउडंग, और बहुत थोड़ा सा एक बार में आपको डालना पड़ता है। और एक बार अगर आपने इसको लगा दिया तो फिर बार बार इसको खाद की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और इसको जो है लगाने की बात कर ले तो इसको स्टेम तोड़कर भी लगाया जा सकता है, इसको रूट से भी लगाया जा सकता है। और रहते हैं कि ये पॉट के अंदर, और सबसे पहले एक ही बार आप इसको लगाएं और उसके बाद ये सालों साल चलता रहता है। तो इसके पॉट में अगर आपको डालना है तो सबसे पहले नीचे आप नारियल की जो जटाएं रहती हैं उसको आप जितना हो सके हाफ फुल कर दें। जिस भी पॉट में आप लगा रहे हैं आप उसको आधा नारियल के जटाओं से ही भर दें। और उसके बाद उसमें जो है थोड़ी सी काउडंग और थोड़ी सी गार्डन सॉइल डाल दें, बस। इससे ज़्यादा आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होती है। और तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो है प्लांट जो है कितना लंबा हुआ है, जबकि इसको हमने धूप में रखा हुआ था। तो इस तरह से आप भी अपने घरों में प्लांट लगाएं, ये इसकी थोड़ी सी जानकारी थी। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से हम एक एक करके प्लांट के बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।